बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो दिलों को बेहतर जानने वाला, बिन मांगे देने वाला और बेशुमार रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबशर मजीद। टीवी प्रोग्राम हेलो कनाडा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं रोज़ की तरह। नाज़रीन, हेलो कनाडा डिजिटल टीवी जिसमें पेश किया जाता है आपका अपना कल्चर, आपके अपने लोग और बहुत सारे हमारे रहनुमा और बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन और बहुत सारा इंटरटेनमेंट। हम दिल की गहराइयों से आप सब कम्युनिटियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हेलो कनाडा डिजिटल टीवी पसंद करते हैं, देखते हैं और हमें फीडबैक देते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। आज के हमारे मोजज़ गेस्ट हैं जो कि एक बहुत ही सब कम्युनिटियों के प्यारे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे काम और ऐसी सर्विसेज सब कम्युनिटियों को प्रोवाइड की हैं जिसका हर, मेरा ख्याल है कि ब्रैम्पटन और ओंटारियो के हर बंदे को पता है कि इन्होंने कितना काम किया है। हमारे साथ हैं रमेश सांगा साहब और हम इनको दिल की गहराइयों से हेलो कनाडा की पूरी टीम की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं हेलो कनाडा डिजिटल टीवी में। जी वेलकम जी। हेलो नाजरीन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब मेरे को मौका दे रहे हैं आज यहाँ आपके बैठ के रूबरू होने के लिए। मैं और इंतजाम सारे हेलो कनाडा प्रोग्राम करने वालों भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू जी। मैं एक दफ़ा तो रमेश साहब, मैं स्पेशली शुक्रिया था आपका फिर दोबारा इसलिए भी करना चाहूँगा कि आज का स्केजुअल नाजरीन इनका बहुत ही टाइट स्केजुअल था और बहुत सारी कमिटमेंट थी। इन्होंने बहुत सारी कमिटमेंट कुछ आगे पीछे करके हमें हेलो कनाडा डिजिटल को टाइम दिया। और रमेश साहब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि ये सफ़र का आगाज़ कब हुआ, कब से आपने, कब आप कनाडा तशरीफ़ लेके आए, सबसे पहले तो आप इसमें थोड़ा बताएं। और दूसरा ये कि ये सफ़र कैसे कैसे गुजरा। हमारे सुनने वाले ये चाहेंगे कि आपके बारे में बहुत सारे मुझे कॉल्स भी आई थी। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे सफर शुरू करता हूँ मैं अपने जन्म से लेके, जो कि ओकाड़ा में है मेरा जन्म। लोग जानना चाहते हैं ओकाड़ा चक नंबर 24 KL जी। तो वहां से फिर हम आ गए जलंधर, जलंधर से कई जगह कई कुछ हुआ। पहले पढ़ाई शुरू की, पढ़ाई करने के बाद इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गया, इंडियन एयरफोर्स का पेंशनर हूँ। Then we came here from last more than 26 years. अच्छा, तो कौन से year में आप कनाडा तशरीफ लेके आए? 94 में आ गए। 94 में जी। तो ये यहाँ आके फिर वहाँ मैं एक्चुअली लॉयर था इंडिया में, जलंधर में। जी जी। So then I upgraded myself here in Windsor, University of Windsor. Good. जी। तो यहाँ लॉ शुरू कर दिया, प्रैक्टिस की। Then I was a chairperson to Canada Pension Plan. जी। वो भी 5 साल किया काम। Then political was my cup of tea, कह लो पहले से ही। I was in India, so I was in it for a short while. तो इसमें धीरे-धीरे आ गए। तो यहाँ खाली हुई, तो नई पोस्ट निकली थी। I decided to try my luck in that. I got the chance. From last 4 years, I am as a member of parliament. चल रहा हूँ, कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी की खिदमत करे। जी रमेश भाई, यहाँ पे एक चीज मैं अपने नाजरीन का जरूर बताना चाहूँगा कि लास्ट सैटरडे इंटरनेशनल सेंटर में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब तशरीफ लेके आए थे और इनकी पूरी कैबिना साथ थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो राइट साइड पे सबसे ज्यादा जो क्लोज और जो बिल्कुल 2 फीट के फासले पे खड़े थे वो रमेश साहब थे। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी ये हमारी सब कम्युनिटियों का ताज है और इन्होंने सब कम्युनिटियों के लिए बेशुमार खिदमात दी हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि जिस तरह इन्होंने प्यार और रिस्पेक्ट और जिस तरह इन्होंने सब लोगों की बहुत सारे कम्युनिटियों की खिदमत की है, इसी तरह इनको आने वाले इलेक्शन में भी आप इनको मैक्सिमम वोट दें। और इसके अलावा रमेश साहब ये बताइएगा कि आपने कितना अरसा ये जो गुजरा है, ये कितना अरसा गुजरा है आपकी हुकूमत का, मेरे नाजरीन जानना चाहेंगे। उसमें आपने जो कोई जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आम बंदे को फ़ायदा पहुंचा हो। देखिए, ये अगर पहले से हम सोचे कि जब हार्पर गवर्नमेंट थी यहाँ 15 से पहले जी, तो ये काफ़ी कुछ पब्लिक में एक तरह का गुस्सा था जी हर कम्युनिटी में। मैं देखता हूँ कि हार्पर के नाम से ही लोगों को बुखार हो गया था जी।
ये नहीं होना चाहिए जी, तो दे चोजन टू इलेक्ट सेलेक्ट लिबरल जी जी, लिबरल को इलेक्शन में लाए आगे, लिबरल में जो वायदे किए थे उस टाइम जी उनको पूरा करने की कोशिश की है, काफी सारे हो गए हैं मुद्दे जी जो नहीं हुए हैं, उनका कारण यह नहीं है कि हम करना नहीं चाहते, लेकिन अरसा टाइम की कुछ शॉर्टेज होने की वजह से चार साल में सारे नहीं हो सकते थे जी, और बाकी के मुद्दे वो अभी पूरे किए जाएंगे। अच्छा जी, उसके लिए कितना जो लिबरल गवर्नमेंट कितना टाइम इनको चाहिए? ये इस चार साल में पूरा हो जाएगा सब कुछ। अच्छा जी, बहुत उसमें, कुछ किया है। उसमें मेन प्रोजेक्ट जो है, मेन जो है वो आप उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मैं शॉर्ट में कट शॉर्ट में करूँ तो ये है जी जी कि एक तो मिडिल क्लास को अप लगाना जी, ये जो हमने पहले से दिया था कि वी वांट टू हेल्प द मिडिल क्लास एंड दोज हु वांट टू ज्वाइन द मिडिल क्लास जी, क्रेडा चाइल्ड बेनिफिट जी, 1 मिलियन जॉब्स जी, यू टॉक अबाउट द सीनियर बेनिफिट्स जी, यू टॉक अबाउट द यूथ, यू टॉक अबाउट अपना वेटरन्स जी, ये बिल जो लाने हैं बिल 24 जो बहुत इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा था, कैनेडियन इज ए कैनेडियन इज ए कैनेडियन जी, उसको लाना और उसको पूरा नेपरे चाड़ना, फिर वो देखो ये जो एक तरह का खलाव पैदा किया हुआ था मुस्लिम कम्युनिटी लिए खास तौर पर जी, कि ये पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा जी, एक तरह का लोग बदनाम करने के ऊपर लग जाते हैं एक एक कम्युनिटी को पकड़ के, उसके लिए मोशन लाना, उसको पूरा हर तरह प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा स्टैंड लेके बोलना कि नहीं ये फोबिया जो है ना इसको रिमूव, नहीं वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो यहाँ पे भी ये बोल के गए इंटरनेशनल सेंटर में भी एवरीवेयर, हाँ जी, कि मैं सब जितनी एशियन कम्युनिटी है सबके साथ हूँ और हमारी गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसियां हैं वो सब आप लोगों के साथ है, ऐसे करके सारे मुद्दे जो है ना पूरे नेपरे चढ़ चुके हैं जी, जो नहीं है उनको पूरा किया जाएगा जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं मेरे नाज़रीन और जानना चाहेंगे, वो ये कि देखें अभी जिस तरह के कमिंग जो इलेक्शन आ रहे हैं इसमें लोग आपको ही वोट क्यों दें? हाँ, देखिए तो, मतलब ये है कि मेरा पॉइंट सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ मैं कि लोग जानना ये चाह रहे हैं मेरे नाज़रीन कि उसमें कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आपके वो आप ट्राई करेंगे कि इनको हमने कंप्लीट करना है, या कौन सी नई चीजें आप लेके आ रहे हैं आम लोगों के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है जी नाज़रीन, ये भी मैं जानना बताना चाहता हूँ आपको ब्रदर, कि जब हम एक किसी काम को शुरू करते हैं जी तो उसको किसी उसका एक मकसद होता है जी, डेफिनेटली मकसद ये है कि जैसे 3 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जी हमने पहले टाइम आने से पहले ही दिए थे, अपने मुद्दे रखे थे जी कि ये हम पूरे करेंगे जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल जी, ये 3 मुद्दे थे पहले, तीनों से अलावा, और तीनों किस लिए थे? To raise the standard of the middle class जी, and for those जो आम लोग पीस रहे हैं वो ना पीस join the middle class, और तीनों के ऊपर देखो investment इतनी हो चुकी है कि आप देख रहे हैं कि उसका असर हो रहा है जी, 1 मिलियन जॉब ऐसे ही नहीं क्रिएट हो गई जी, बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट हुई है उनके ऊपर, उसकी वजह से हो रही है। एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने लिए, दुनिया भर के लिए है, लेकिन कैनेडा के लिए खास तौर जो कनाडा सोचता है जी कि इट्स एमरजेंसी, हमारे लिए एमरजेंसी है, हम नहीं सोचते कि तो दूसरा क्या सोचता है जी, कहाँ क्या हो रहा है वो नहीं, लेकिन कनाडा के लिए एमरजेंसी है। रिसेंटली हमारे हाउस खत्म होने से पहले एक मोशन लाई थी जी जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि कनाडा दिस एनवायरमेंट चेंज इज एमरजेंसी फॉर कनाडा जी, और पास हो गया मोशन जी। और ये चीजें का कारण मतलब क्या है? We want our Canadians to have clean water, clean air and clean environment to live in. ये नहीं है कि पार्क गंदे पड़े हैं, पानी नहीं पीने को अच्छा मिल रहा, हवा ही नहीं मिलती सांस लेने को। अगर ये चीजें हमारे लिए हो गई तो हमारा रहने का यहाँ लीडरशिप करने का आई थिंक कोई फायदा नहीं है, ये सोचनी है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। अच्छा रमेश साहब, एक चीज़ मैं अपने मीडिया की तरफ से पूछना चाहूँगा, बेसिकली जो मीडिया का काम है हम लोग तो आप लोगों की भी खिदमत में ऑलवेज रहते हैं और हमारी जो पब्लिक है उनकी भी ऑलवेज हम खिदमत में इसलिए रहते हैं कि हमारी ट्राई होती है कि जो पब्लिक की आवाज़ है वो आप तक भेजी जाए और जो आपकी आवाज़ है वो पब्लिक तक दी जाए। इसमें मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि ये जो घरों की प्राइसें आपकी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा अप गई हैं, इसके बारे में आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया है?
دیکھیے یہ اٹ از ویری بگ جمپ, عام بندے کی پہنچ سے باہر ہو گئے گھر لینے. یہ جمپ جو ہے نا, اس کا کارن مین بہت کارن ہے, ویسے ایک نہیں ہے. جی آپ کو کسی اکاؤنٹنٹ ایکسپرٹ جو ہوگا, مارٹگیج ایکسپرٹ جو ہوگا, ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ جو ہے نا, دے ول بی گیونگ بیٹر سچویشن. جی لیکن یہ جمپ جو گئے ہیں اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں, جس میں ایک میں بتاتا ہوں آپ, وہ ہے فورن انویسٹمنٹ. اچھا جی, جو کہ وہاں سے پیسہ آتا ہے. جی کل کو کھڑے کھڑے ایسے سودا لگاتے ہیں کہ یہ گھر میں نے بائے کرنا ہے, اینڈ دے ڈونٹ لیو ان اٹ. جی وہ صرف انویسٹمنٹ کر کے اپنے بچے چھوڑ دیے, آپ چلے گئے. جی یا ویسے اس کو دے دیا کہ اس کو ایز اے انویسٹمنٹ لگا دیا. جی پتا ہے کہ کینیڈا میں پرائسز بہت بڑھ رہی ہیں. جی بہت اچھی بات نہیں ہے یہ. جی بالکل بھی نہیں, عام بندے کی پہنچ برڈن آن دی نارمل رہنے والا کینیڈین جو ہے ان کے لیے, ہم لوگوں کے لیے تو پرابلم بن گئی نا, یہ مسئلہ بن گیا. جی اسی لیے اس کو اوپر انکش لگانے کے لیے ہم نے یہ سوچا تھا, یہ بنایا آتا ہے کیا. جی جی بل مورنو انہوں نے پاس کیا کہ انہوں نے ایک ریگولیشن نئے لائے. جی جس میں یہ کیا کہ مارٹگیج جو ہے نا اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دو. جی اس کا سٹریس ٹیسٹ ڈال دیا. جی سٹریس پٹ دا پیپل آن دا سٹریس جو بائی کرنا چاہتے ہیں. اس میں پرائسز آپ نے دیکھا ہوگا کافی کنٹرول. ہاں جی کنٹرول نہیں تو کیا کیا کہ لاسٹ ایئر کی بات ہے, ایک گھر لگا اس کے اوپر بولی لگتی تھی. جی اوور بک اوور پرائس پہ بکتا تھا, اوور پرائسنگ پر جاتے تھے. لیکن وہ نہیں ہے, ابھی نارمل پرائسز پر جان لگے ہیں. جی تھوڑا سا ہے اس میں پرائسز چینجز. جی لیکن کیا ہے کہ جب کوئی بنائے جاتے ہیں ریگولیشن, اس میں بھی راستے نکال لیتے ہیں نکالنے والے. ابھی بھی کچھ لوڈ ہے اس میں چینجز کرنے کے لیے. جی کافی کچھ ہو رہا ہے. نیو ہاؤسنگ نیشنل ہاؤسنگ اسٹریٹجی جو ہے, جی جو اپنی گورنمنٹ کی ہے. جی انڈر دیٹ اسٹریٹجی وی آر گوئنگ ٹو برنگ نیو ہاؤسز جو عام کمیونٹی کے لیے چلنے چاہیے. جی جو مڈل کلاس اور دوز پرسن, اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کینیڈا جو ان کے نوٹس میں ہے اور دے لائک ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ہے ہے ہمارے نوٹس میں ہے, اور وہ جو راستہ وہ انکمپلیٹڈ ہے. ابھی نیشنل ہاؤسنگ اسٹریٹجی تو پاس ہوئی ہے, آئی ایم ان ہوما کمیٹی. جی وی پاس دیٹ, وی ڈیڈ اے اسٹڈی آن دیٹ نیشنل ہاؤسنگ اسٹریٹجی. جی اور وہ ہاؤس میں آلریڈی جا چکی ہے. سو یہ میرا مطلب جب یہ سب پاس ہو جائیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ایکٹ ہوگا, شیورلی چینجز آئیں گے, بہت چینجز. دیٹ مین یہ کہ لوگ ہوپ رکھیں. شیور شیور. دیکھیں ناظرین, نام آپ کی خدمت میں اسپیشلی ایم پی صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ آپ سب کمیونٹیوں کے دلوں میں جو بھی کوئسچن ہیں یا جو بھی ہمارے تک پہنچے ہیں, ہماری ٹرائی ہوگی آلویز, اور ابھی بھی ہم نے یہی کیا ہے کہ جو بیسک کوئسچن ہے جو کہ بہت کم میڈیا والے کرتے ہیں وہ ہم کریں, اور عام بندے کو جو ہے وہ کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور عام بندے کی آواز جو ہے ہمارے جو ایم پی ہیں یا ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان تک یہ آواز کس طرح پہنچ سکتی ہے. تو اسپیشلی میں شکریہ ادا کرتا ہوں, کوشچن تو بہت زیادہ اور ہیں لیکن ایک سیگمنٹ اور میں کرنا چاہوں گا ملک واجد صاحب کے ساتھ. آپ ذرا تھوڑا سا پلیز اس میں ٹائم نکالیے گا, اور میری خواہش ہوگی کہ بہت سارے اور کوشچن جو ہیں وہ ہم نیکسٹ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں اور آپ سے وہ ان کے بارے میں کچھ پوچھا جائے. اس کے علاوہ کچھ اور اپنی طرف سے, آپ اپنی پارٹی کی طرف سے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے پلیز؟ کوشش یہ ہوگی ہمیشہ جی کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا ان کا یہ مدعا ہے ایکچولی کہ پبلک کی سیوا کرنا. جی پبلک کی سیوا اگر ہم اچھی طرح سے کرتے جائیں گے جی تو پبلک کا معیار اونچا کرنے کے لیے, مڈل کلاس کا معیار اونچا کرنے کے لیے, اینڈ فار دوز جو کہ بہت ضروری ہے, جو کہ بہت ضروری ہے, اس کو اگر معیار کو اونچا کر دیں گے ہم جی تو ہم سوچیں گے کہ وی آر ورکنگ ان اے بیٹر وے گڈ جی فار دا گورنمنٹ. جی اور گورنمنٹ کر رہی ہے جی, کام اچھے ہو رہے ہیں, لگتا ہے انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور میں ایک دفعہ پھر پوری ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایز اے پریزیڈنٹ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے ہیں اسٹوڈیو. آج دیکھتے رہیے اسی پیار سے ٹی وی پروگرام ہیلو کینیڈا ڈیجیٹل ٹی وی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی, اللہ حافظ.